सो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के साथ मेरी बेबी 3 मंथ की बेटी की स्लीपिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी बेटी की जो स्लीपिंग रूटीन है वो कैसे फिक्स की है, वो कब सोती है कब उठती है, पूरा दिन सुबह से लेके रात तक क्या क्या करती है। सो वही आज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। शायद आप लोग भी न्यू मम्मी बने हों तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है, या फिर आप प्रेग्नेंट हो तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले बच्चे के लिए थोड़ा बहुत ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सो यहाँ पे क्रिवा को मैंने बात दे दिया है, देखो कितना क्यूट लग रहा है मेरा छोटू सा प्यारा सा गोलू मोलू। मालिश करा के उपटन लगा के मैं डेली सुबह 8:30 या फिर 9 बजे तक मैं बाट दे के मतलब रेडी हो जाती है क्रिवा मेरी, 9 बजे तक तो ये आराम से सो जाती है। तो सबसे पहला रूटीन यही है, सुबह उठते ही मेरा यही काम होता है क्रिवा को सुलाने का। तो यहाँ पे क्रिवा को सुलाऊंगी, फिर इसके बाद जो है मेरा काम मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी ये जो टाइम है ना मालिश करने के बाद जो क्रिवा सोती है वो बहुत लंबे टाइम की नींद लेती है, समझो 12:30 1 बजे तक ये सोएगी। बीच में कभी कभी भूख लगेगी तो एक बार उठ जाती है तो मैं फीडिंग करवा के फिर से सुला देती हूँ क्रिवा को। और घर पे ये घर की हालत आप देख सकते हैं क्योंकि घर की डस्टिंग अभी बाकी है। क्रिवा सोएगी, इसके बाद जो है मेरा काम होएगा। सो पहले क्रिवा को सुलाते हैं, पूरा दिन आज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। कोशिश करूँगी कि जितना हो सके इतना अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। आई नो 0 से लेकर 3 मंथ कोई रूटीन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपका बेबी 3 मंथ में एंटर करता है आप कोशिश करो कि अपने बेटी या फिर बेटा जो भी हो आपकी बेबी का रूटीन फिक्स करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्रिवा सो गई है और बस अभी मैं शावर ले लेती हूँ। और हाँ यस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिवा के स्लीपिंग रूटीन। यस, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट आई थी कि आप क्रिवा का ना स्लीपिंग रूटीन शेयर करो कि क्रिवा किस टाइम पे सोती हैं और किस टाइम पे उठती हैं। तो गाइस क्रिवा के 3 मंथ हो गए हैं, सो मैंने क्रिवा का जो रूटीन है वो फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, बोल सकते हैं फिक्स तो नहीं किया है अभी, बस शुरुआत की है। जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्रिवा की पूरी जो स्लीपिंग रूटीन है और क्रिवा की बात रूटीन मालिश रूटीन सब कुछ मैंने टाइम फिक्स कर दिया है, चेंज कर दिया है। उससे ना बच्चे बहुत अच्छे से नींद लेते हैं और बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और स्लीपिंग रूटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अपने बच्चे का स्लीपिंग रूटीन जरूर से फिक्स करो ताकि बच्चे ना ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं। और इससे बेबी हेल्दी भी होता है, बेबी का वेट भी बहुत अच्छे से गेन होता है। सो बस इतने टाइम तक मैं क्रिवा को सुला देती हूँ। क्रिवा का उठने का टाइम है 1 बजे या फिर कभी कभी 1:30 भी बज जाते हैं या फिर कभी कभी 12:30 तक भी उठ जाती हैं। सो ये टाइम मुझे अभी पता चल गया है क्रिवा का कि इतने टाइम तक सोती है। तो इतने टाइम तक जो मेरा जो भी काम रहता है यूट्यूब का या फिर घर का वो सारा कुछ मैं फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। सारा तो नहीं हो पाता है लेकिन जो मैं क्रिवा के साथ नहीं कर सकती हूँ काम वो मैं फिनिश कर लेती हूँ। बाकी का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरी रूटीन तो नहीं दिखाऊंगी इसमें सिर्फ आप लोगों को क्रिवा की जो स्लीपिंग रूटीन है किस टाइम पे क्रिवा सोती है उठती है वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये एक टाइम फिक्स है 1:30 या फिर 9 बजे तक क्रिवा को मैं मालिश करा के सुबह सुला देती हूँ, तो वो आराम से 12:30 1 बजे तक सो रहती है। तो ये सबसे बड़ा गैप होता है क्रिवा का। फिर इसके बाद जो नींद लेती है क्रिवा वो छोटी छोटी रहती है, आधे घंटे पौने घंटे की, तो वो भी मैं आप लोगों के शेयर करूँगी और शाम का टाइम क्या है क्रिवा का सोने का वो सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग भी न्यू मॉम बने हो तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। बने रहिएगा वीडियो में, मिलती हूँ क्रिवा जब उठती है तब। अब सीधा मैं आप लोगों को क्रिवा जब उठेगी तब मिलूंगी। सो यहाँ पे मेरी क्रिवा उठ गई है, जैसे ही क्रिवा उठती है उसे मम चाहिए होता है। वैसे तो जब भी वो उठती है ना तो रोके तो बिल्कुल भी नहीं उठती, अपने आप मस्त स्माइल के साथ ही उठती है क्योंकि मेरी क्रिवा ना बहुत शांत है। जब इसे भूख लगती है ना तभी वो चिड़चिड़ी होती है और तभी परेशान करती है, तो सबसे पहले मैं इसे दूध पिलाऊंगी इसके बाद देखेंगे।
यहाँ पे दूध पिलाने के बाद मैंने अपना लंच वगैरह जो भी है वो कर लिया था क्रिवा के साथ। हमने बहुत सारी बातचीत की। बातचीत करने के बाद अभी दोपहर का समझो 3-3:30 बजे के कोई टाइम होगा, तो यहाँ पे मैं भी सोने की कोशिश कर रही हूँ और क्रिवा को भी सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्रिवा जो सोने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल, पता नहीं आज क्रिवा को क्या हो गया था। क्रिवा को सुलाते सुलाते ना मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन क्रिवा तो बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं ले रही थी। आधे घंटे ऐसे ही मैं क्रिवा के साथ बातचीत करते करते खेलती रही और फिर फाइनली क्रिवा सो गई। तो फिर मैं भी आधा घंटा समझो क्रिवा के साथ सो गई थी। वैसे पहले जैसी नींद पूरी तो नहीं होती, आराम से 2-2.5 घंटे दोपहर को सोना, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो कभी भी उठ सकता है। यहाँ पे अभी जो क्रिवा नींद लेगी ना वो छोटी छोटी लेगी, आधे पौने घंटे की। यहाँ पे क्रिवा भी उठ गई थी समझो 4:30 के आसपास कुछ क्रिवा उठ गई थी, तो मुझे भी उठा दिया क्रिवा ने। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी खिसी कर रही थी क्रिवा को, और क्रिवा जैसे ही उठती है मम्मा बहुत सारी खिसी करती है क्रिवा को क्योंकि बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी बच्ची है हमारी, तो किसको मन नहीं करता राइट। यहाँ पे ऐसे ही मस्ती चलेगी। फिर इसके बाद हम बेड से उठेंगे। यहाँ पे मैं फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद मुंह वगैरह धोया मैंने और क्रिवा को मैंने यहाँ पे ऐसे ही बेड पर लेटाया था। क्रिवा के साथ मैं बात करती गई और अपने हेयर वगैरह जो भी है वो टाई किए, फ्रेश मुंह हाथ पग धोए मैंने। फिर जो है शाम का रूटीन मेरा स्टार्ट होता है, शाम का जो छोटा मोटा काम होता है कपड़े वगैरह निकाल के फोल्ड करने, सो ये सारे काम मैं क्रिवा को मेरे बाजू में बिठा के कर लेती हूँ। किचन में भी आजकल मैं ऐसे ही कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि मतलब पहले स्टार्टिंग के 2-3 दिन मुझे भी इतनी आइडिया नहीं थी, तो मैं क्या करती थी जब भी मुझे खाना वगैरह बनाना होता था रात को डिनर वगैरह, तो मैं क्रिवा को ना झूले में सुला के अपना काम करती थी। तो क्रिवा अकेली बहुत परेशान होती थी और थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो जाती थी। तो अभी से मैं क्या कर रही हूँ, किचन में ही गद्दी बिछा देती हूँ और साथ में क्रिवा के साथ बात करते करते अपना जो भी है डिनर वगैरह किचन की खाने की जो तैयारी है वो मैं कर लेती हूँ। सो आगे आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। क्रिवा के कपड़े सूख गए थे, सो ये क्रिवा के कपड़े मैं लाने के लिए गई थी, बालकनी में ही सूखने के लिए रखे थे। तो गाइस शाम का टाइम क्रिवा के साथ मेरा कुछ ऐसा होता है, जो छोटे मोटे अपने काम रहते हैं वो मैं शाम को क्रिवा के साथ क्रिवा को बाजू में बिठा के अपना काम जो है वो फिनिश कर लेती हूँ। और क्रिवा ना आराम से खेलती रहती है और मैं अपना व्लॉगिंग जब भी करती ना वीडियोस बनाती हूँ, तो वो पता नहीं क्रिवा को वीडियो बनाना इतना पसंद है या फिर मुझे नहीं पता क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में मैंने यही काम किया है। तो क्रिवा ना जब भी मैं मोबाइल लगाती हूँ ना ट्राइपॉड पे तो कंटिन्यू मोबाइल में देखती रहती है अभी भी आप देखो। और जब मैं अपना काम कर रही थी ना तभी भी क्रिवा का ना पूरा फोकस यहाँ पे मोबाइल पे ही था कि मम्मा ये क्या करती रहती है पूरा दिन इसके साथ। सो चलिए अभी थोड़े बहुत कपड़े फोल्ड करने बाकी है इस कपड़े फोल्ड करते हैं। फिर इसके बाद मैं किचन का जो थोड़ा बहुत काम है 2-3 बर्तन पड़े हैं वो भी साफ कर लूँगी लगे हाथ। फिर करीब 5:30 के बाद मैं क्रिवा को झूले में सुला दूँगी, फिर मैं अपना जो भी काम है वो कर सकती हूँ, किचन का खाना वगैरह बनाने का जो भी काम है वो मैं देख सकती हूँ। शाम के टाइम कुछ इस तरह से ही क्रिवा छोटी छोटी नींद लेती है और मैं अपना छोटा छोटा काम अपना मैनेज कर लेती हूँ। क्रिवा के भी आज मैंने कपड़े वॉश किए तो क्रिवा के कपड़े अलग फोल्ड करके अपने क्रिवा के वार्डरोब में सेट करती हूँ और मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर आपको मिलवाती हूँ। मोबाइल बताऊँ मैंने मम्मा शू करे छे। मम्मा शू करता छे गाइस, अरे बाप रे, गॉड ब्लेस यू। क्रिवा का हेयर का बहुत टेंशन हो रहा है, कब ये बड़े होंगे क्रिवा के हेयर और कब अच्छे से होंगे। वैसे तो मैंने अभी कैस्टर ऑयल अप्लाई किया है ना इसलिए कुछ ज़्यादा ही पतले दिख रहे हैं ना आज। ए मम्मा नु ढिंचू सू के दिखा, अरे बाप रे आज जल्दी उतरे।
મમ્મા શું કરે છે, આ શું કરતા છે ખબર પડે તને? કેટલી કિરસી કરે આખો દિવસમાં ક્રિવુ ને મમ્મા, કેટલી કિરસી કરે. और गाइस अभी क्रिवाना बहुत अच्छे से नेक को बैलेंस करना सीख रही है. फिर भी मैं अपना हाथ तो रखती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी ये सीख रही है तो कोई भरोसा नहीं है. बाकी अभी बहुत अच्छे से सीखने लगी है नेक को बैलेंस करना. चलो मम्मा काम करे देखा, मम्मा पास बहुत बड़ा काम छे देखा आज किचन में. બાય બોલી તે બધાને, માસીઓને બાય કહી દે બધા, માસી મામું બાય બોલી દે, બાય માસી બાય મામું. અમે બહુ જલ્દી મોટા થઈને બધા સાથે વાત કરીશું, હાય ગાઈઝ કરીશું. હિન્દીમાં વાત કરીએ, બહુ જલ્દી હમ સબકો મામું, સારે મામું કો સારે માસી કો હાય ગાઈઝ બોલને વાલે હૈ, હે ના? सो यहाँ पे डेनिस भी आ चुके थे ऑफिस से, 7:30 का कुछ टाइम था. तो क्रिवा वैसे यहाँ पे इस टाइम तक क्रिवा थोड़ी देर सोई थी, आधा घंटा समझो, झूले में ही मैंने सुलाया था. फिर इसके बाद जैसे ही क्रिवा के डैडी आए तो वो उठ गई, अभी खेल रही है डैडी के साथ आराम से. मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, इसके बाद जब मैं किचन में गई तो आधे घंटे के लिए मैंने क्रिवा को समझो आधा घंटा ही सोई होगी झूले में रख दिया था. फिर इसके बाद क्रिवा को ऐसे ही झूले में खिलाते खिलाते मैं क्या कर रही थी, अपना किचन की तैयारी कर रही थी, डिनर की तैयारी, सॉरी किचन की तैयारी. तो तब तक क्रिवा के डैडी भी आ चुके थे. क्रिवा थोड़ी परेशान कर रही थी, इसलिए देखो गाइस कैसे क्रिवा ने डैडी के हाथ पकड़ लिया, अभी बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बहुत ज़ोर से पकड़ती है. सो यही बता रही थी कि मैं अभी एक घंटा डिनर में मुझे लगता था पहले, तो अभी मुझे डेढ़ घंटा निकल जाता है. बच्चे के साथ यही होता है, कभी कभी बीच बीच में फीडिंग वगैरह करवाना होता है तो दो घंटा भी निकल जाता है. सो यहाँ पर मैं बना रही थी भाकरी और सब्जी, यानी कि पराठा की तरह ही होती है, गुजराती हो गया आप तो पता ही होगा कि भाकरी किसे बोलते हैं. सबके घर में, शायद गुजराती लोगों के सबके घर में शाम के वक्त भाकरी बनती ही होगी, एक पराठा की तरह ही होता है. रात का टाइम है हमारा, डिनर हो गया है. इसके बाद क्रिवा को मैंने ऐसे ही थोड़ा खुला छोड़ के झूले में सुला दिया था, क्योंकि क्रिवा को अभी बात देना था. इसलिए तो फाइनली क्रिवा ने बात दे दिया, कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं. आप लोग देख सकते हैं नीचे ही क्रिवा का जो है मम्मा अर्थ का ये बॉडी वॉश पड़ा हुआ है. सो यहाँ पे क्रिवा के बाद देने के बाद अभी ये जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं ना फोल्ड करके मैंने रखे थे, वो सारे जाएंगे वार्डरोब में. क्रिवा के जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो क्रिवा के वार्डरोब में सेट करूँगी, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना क्रिवा के, इतने छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े. और ये बाल गाइस आप लोग कुछ करो, क्रिवा के बहुत हेयरफॉल हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ. और ये रही मैं भी अभी सावर लेने के लिए ही जा रही हूँ, और मेरी क्रिवा ने बात ले लिया है, अभी आराम से सो जाएगी. और जब से मैं क्रिवा को रात को बात देने लगी हूँ ना, तब से वो क्रिवा ना बहुत अच्छे से नींद लेती है और एंजॉय भी करती है. रात को बात बहुत पसंद है क्रिवा को. तो यही है मेरी क्रिवा की स्लीपिंग रूटीन. आप भी अपने बच्चे का स्लीपिंग रूटीन जरूर बनाइए. कान बच्चे में फैन ऑफ करती हूँ, पता नहीं ये वाला जो मेरा फैन है ना इसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है ना ये, इसलिए. चले गाइस मैं भी सावर लेने के लिए ही जा रही हूँ. डेनिस आगे वाले रूम में है, अभी डेनिस आएगा यहाँ पे क्रिवा को देखेंगे, तब तक मैं सावर ले लेती हूँ और ये वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ. मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चे का 0 से लेकर 3 मंथ का तो कोई भी रूटीन हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना ही बच्चे का सोने का खाने का पीने का कोई भी टाइम नहीं होता है इतने छोटे बच्चे का. लेकिन जैसे ही आपका बेबी भी 3 मंथ का हो जाए ना, तो आप भी कोशिश करो कि अपनी बेबी का रूटीन फिक्स करो. अगर आप अपने बेबी का रूटीन फिक्स करोगे ना तो आपका रूटीन फिक्स हो पाएगा और आप अपने भी काम कर सकते हैं, घर का भी काम संभाल सकते हैं. सो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ
कि क्रीवा का यहाँ पे आने के बाद एक स्लीपिंग रूटीन फिक्स करूँ। चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेबी के रिलेटेड और न्यू मॉम की लाइफ है वो आगे आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, कैसे मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ पूरे घर को, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट है वो मैं फील करने वाली हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। और क्रीवा भी मेरी बाय कर रही है, क्रीवा बाय। और मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया ना कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा हो, आपका बेबी भी 3 मंथ का हो गया हो या फिर 2 मंथ का हो गया हो और आपके बेबी के भी हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले और क्या करना चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्या करना चाहिए मुझे भी क्रीवा के लिए कि क्रीवा के हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो और जो हेयर फॉल हुआ है और क्रीवा के हेयर जो है वो वापस लाने में मुझे हेल्प मिले, क्योंकि मुझे कुछ भी करके क्रीवा के बाल जो है वो ठीक करने ही हैं। आई नो टाइम के साथ ये ठीक हो ही जाएंगे, सबके साथ होता है ये न्यू बॉर्न के, मोस्टली सबके साथ होता है, 80-90% बेबी के साथ ये होता ही है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, फेस करना ही है, लेकिन अभी का जो टाइम है इसे भी एंजॉय करना है। बाल तो वापस अभी जाएंगे लेकिन ये जो टाइम है वो कभी वापस नहीं आएगा, राइट। सो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपनी क्रीवा के साथ जो ये न्यू लाइफ है। आई नो बिल्कुल टाइम नहीं है, लाइफ पूरी बदल चुकी है, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन ये जो लाइफ है ये मुझे पसंद भी आ रही है और मैं एंजॉय भी कर रही हूँ अपनी क्रीवा के साथ। तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं और क्रीवा काफ़ी है हम दोनों एक दूसरे के लिए, तो आप भी अपनी बेबी के साथ ऐसी ही बॉन्डिंग बनाओ, फिर आप देखो काम करने में और लाइफ जीने में कितनी मज़ा आएगी। चलिए बहुत सारी आप लोगों को ज्ञान दे दिया बहुत सारा, बाय बाय क्रीवो, बाय दिक्कू, मम्मा वीडियो बनाया ना, क्रीवा ना वीडियो बनाया छे, चलो बाय गाइस।